सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होके। एंड आज की वीडियो यार एक ब्लॉग होने वाली है एंड मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैं कोविड पॉजिटिव था बट नाउ आई एम नेगेटिव। मतलब जो मैंने लास्ट वीडियो शूट कर लिया तब भी मैं पॉजिटिव था एंड मुझे तब इतना पता नहीं था बट हाउ डिड आई फील, मतलब क्या क्या हुआ मुझसे एंड क्या क्या मैंने ट्राई की उस कोविड के पीरियड में सब मैं बताने वाला हूँ। तो एक बार रेडियो देखो, जस्ट आई वोक अप तो एक बार रेडियो देखो। सो पहले मेन हमारे साथ है फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स और एक चीज़ है, एक सेकेंड में लिख कर आता हूँ उसे। दिस थिंग चिया सीड्स जो भी बोलते हैं इसे, नहीं चिया सीड्स सॉरी फ्लैक्स सीड्स। ये गाइस फाइनली हमारे ओट्स हो चुके हैं रेडी एंड इसमें मैंने ड्राई फ्रूट इसलिए डाले क्योंकि उसके भी काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि उसमें से विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है एंड इम्यून बूस्टर भी काम करता है वो एज इन। तो एक बार मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ। सो फाइनली ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड अभी जा रहा हूँ मैं शावर लेने बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, बहुत ही ज़्यादा। देख लो कितनी ज़्यादा धूप हो रही है आज, थोड़ी बहुत हवाएं चल रही कभी कभार बट उससे ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ। तो चलते हैं यार शावर करते हैं एंड मेरे को बाल भी कटवाने थे बट लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं कटवा पा रहा, बिल्कुल नहीं कटवा पा रहा। तो ज़्यादा हाइपर नहीं होते हैं फिर ना चलते हैं, देन मिलता हूँ मैं आपको, देन बातें बताता हूँ। 5 minutes later सो गाइस फाइनली डन विद द शावर एंड जब मैं शावर ले रहा था ना मतलब ऐसा फील हो रहा था नहीं लाइक कि मतलब पानी भर नहीं रहा करूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था एंड बाहर जो धूप हो रही है ना मतलब अभी लाइक यहाँ आया हूँ ना मैं ऐसा लग रहा है कि मतलब चलते हुए किसी उसमें बैठ रखा हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, मतलब दीवारें वगैरह सब गर्म हो चुकी है घर की। तो मैंने ना कुछ दो चीज़ें ऑर्डर कराई थी अमेजन से, तो डिलीवरी बॉय का अभी कॉल आया था कि मैं मतलब मेरे को सामान कहाँ लेकर आना है, बट मुझे उससे एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो 9 बजे से पहले नहीं आने वाला रात के, क्योंकि आपको पता है यार वो एक बार फ़ोन करके ललचा देता है ना फिर आता नहीं, तो ये वाला सीन होने वाला है। तो जो मैं और एक चीज़ बताने वाला था, जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी ना तब मेरे को कोविड हो रखा था एंड अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो यहाँ कहीं आई बटन आ रहा होगा यहाँ कहीं या फिर यहाँ कहीं, तो उसे देख लेना ठीक है। एंड मेरी अभी कुछ क्लासेस हैं तो मैं वो ले लेता हूँ, देन मिलते हैं। सो फाइनली गाइस क्लास इज ओवर एंड अब हम बात कर लेते हैं कि मेरे को कोविड में क्या सिम्टम्स आए एंड कैसे क्या हुआ स्टार्टिंग से एंड ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो या एंड अभी बच रहे हैं एक, तो सेकेंड मील का भी टाइम हो गया एंड सेकेंड मील में हमारे साथ है फ्रूट्स एंड फ्रूट्स आर द बेस्ट थिंग। मतलब आपको अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है ना फ्रूट्स के कोकोनट वाटर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक है। तो एक बार मैं दिखाता हूँ क्या क्या है फ्रूट्स में हमारे साथ अभी। सो गाइज हमारे पास अभी है थोड़े से एप्पल एंड मौसमी एंड साथ में ये थोड़े से अनार हैं जो कि अभी मतलब मेरी सेकेंड मील होने वाली है एंड इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो प्लीज़ फ्रूट्स खाते रहो ठीक है। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें खाते रहो जो भी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, विटामिन सी टैब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं खाते रहो।
तो मैं एक बार इसको फिनिश करके देन मिलता हूँ। सो गाइज अब कर लेते हैं बात कोविड की। तो लाइक मेरे को ये प्रॉब्लम हुई लाइक पिछले मंथ के 13th को। सो तब ना मेरे को थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम था एंड आई थॉट कि नॉर्मल है, वायरल होगा या फिर समथिंग, ठीक है। और इसी पॉइंट में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि लाइक यार आप लोग ना ये मत सोचो कि यार पिछले लॉकडाउन में या फिर पिछले टाइम आपको कोविड नहीं हुआ जब लॉकडाउन लगा था तो अब क्या ही होगा। इसके बहुत सारे म्यूटेंट्स आ चुके हैं तो आप भी हो सकते हो यार, मतलब नेक्स्ट आप हो सकते हो। तो आपको ना बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। अगर बाहर जा भी रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा नीड है तो जा भी रहे हो, तो एक काम कर सकते हो आप, बाहर जाने के बाद नहा सकते हो या फिर मतलब बाहर से जैसी आए तभी नहा लो वगैरह वगैरह सीन कर सकते हो। तो दोबारा आ जाते हैं अपनी बात पे। तो मेरे को जुकाम वगैरह हुआ तो उसके बाद 3-4 दिन तक रहा, ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद जस्ट जैसे ही जुकाम ख़त्म हुआ मतलब वैसे ही मेरे को फीवर आने लग गया रात को, मतलब डेली लगभग मेरे को रात को 8-9 बजे के करीब से फीवर स्टार्ट हो जाता था एंड सुबह तक रहता था। ऐसा हो रहा था 4 दिन लगातार रहा। उसके बाद मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि कभी मेरी स्मेल मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर टेस्ट नहीं आएगा मुझे, बट देन मेरे को रियलाइज हुआ मेरे टेस्ट बर्ड्स एंड स्मेल काम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। लाइक मैं अगर परफ्यूम यहाँ हाथ पे छिड़क रहा हूँ, नाक के पास लेकर भी स्मेल कर रहा हूँ ना, फिर भी नहीं आ रही थी मेरे को स्मेल। नाक के ऊपर भी छिड़कती हूँ ना इधर तो भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो देन मेरे को थोड़ी सी टेंशन हुई, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है अनटिल एंड अनलेस आपका ऑक्सीजन क्या बोलते हैं उसे ऑक्सीजन लेवल सॉरी अनटिल एंड अनलेस आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे नहीं है तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ऐसे ऐसे खाना खाना मतलब लाइक उसके बाद ना जब टेस्ट चला जाता ना आपके मुंह से तो आपको ऐसा लगेगा यार आप क्या ही खाऊँ कुछ भी नहीं समझ आ रहा क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ, मतलब टेस्ट नहीं आएगा तो मतलब यू नो मतलब क्या समझा रहा हूँ मैं, मतलब उसके बाद ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप क्या खा रहे हो कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो आपका मन भी नहीं करेगा। तो उस टाइम ना आपके मन को ठीक करना है लाइक कि यार उस टाइम सबसे ज़्यादा खाना है, मतलब ज़्यादा इन द सेंस जितना खा रहे थे उतना ही खाते रहो, कोई कम मत करना क्योंकि जितना आप कम करोगे उतनी ज़्यादा वीकनेस आएगी। एंड इवन बेड रेस्ट पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है, इधर उधर हल्का फुल्का चलते रहना, थोड़ा बहुत चलना, क्योंकि आपने देखा होगा जब मेरे को कोविड था मैं तब भी एक्सरसाइजेस कर रहा था थोड़ी बहुत, क्योंकि यार उससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, रियलिटी है, ठीक है, एक्सरसाइजेस से योगा से ठीक है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो उसके जस्ट मेरे को मान लो 3-4 दिन बाद से मेरे को स्मेल आने लग गई, देन मेरे को लगा मेरा कोविड थोड़ा सा ठीक होने लगा है, देन पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ एंड आई वाज हैप्पी एंड या दैट वाज माय स्टोरी। एंड इतना बता रहा हूँ कि जो फ्रूट्स ठीक है ड्राई फ्रूट्स वगैरह वगैरह वो चलते रहना चाहिए, मतलब वो मत ख़त्म मतलब वो मत वो करना अवॉइड मत करना, ठीक है। विटामिन सी की टैब्स हैं और भी बहुत सारी यार, बाकी आप अपने डॉक्टर को कंसर्न करके देख लेना। बट जब तक आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं आनी ना, आपको इतनी टेंशन नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। 14-15 डेज बाद मेरा ठीक हुआ है तो सबका ठीक होगा, ठीक है। बाकी ट्राई करो कि बाहर जाना अभी थोड़ा सा कम कर दो, अभी थोड़ा सा कम कर दो। दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। एंड अभी दोपहर के कितने 1 बज रहे, 1:30 बज गए आई गेस। एंड वो अमेजन का कुरियर मेरे पास अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब तक आएगा, तो अब मैं तभी मिलूंगा जो वो आ जाता है। Yes. So guys, one of the product just arrived and इसे बाद में हम खोलेंगे, अभी यहीं रख देते हैं because precautions. So guys, जो speakers मंगाए थे वो तो आ चुके हैं, but जो headphones हैं वो नहीं आए आज। and मौसम थोड़ा सा बेकार से हो रहा है, मतलब बेकार in the sense बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो I guess आज वो ना ही आए। I don't know आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे कुछ guarantee नहीं है। तो आज की वीडियो ना यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। एंड मैं वीडियो के एंड में अभी बता देता हूँ कॉन्क्लूजन क्या निकला इस वीडियो का। सो यार देखो, 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो प्रिकॉशंस लो, मतलब बाहर से अंदर आ रहे हो तो मतलब हाथ वाथ धो लो अच्छे से, यहाँ तो नहा ही लो, मैं सही कहूँ तो नहा ही लो। और बाहर जा रहे हो तो मास्क बिल्कुल भी, मतलब ये भी नहीं कि गली के बाहर भी जा रहे हो ना तो भी मास्क पहन के जा रहे हो,
जस्ट इन केस, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको अपनी डाइट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लाइक आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करना पड़ेगा एंड साथ में ड्राई फ्रूट्स एंड काफ़ी सारे इम्यून बूस्टर फूड्स हैं। मुझे अभी मतलब एज इन तो नेम नहीं याद, बट ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो, उससे भी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। प्रोटीन इनटेक अगर आप अपनी बॉडी में सही कर रहे हो, उससे भी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। एंड थर्ड एंड द मेन थिंग, आप या तो योगा कर सकते हो या तो वर्कआउट कर लो, मतलब घर पे बैठे मत रहो, लाइक हाँ, क्योंकि देखो लॉकडाउन हो रहा है तो सारे मतलब एक ही जगह बैठे रहते हैं, मतलब वहीं से सब सारे काम वहीं से करने हैं, मतलब हिलना नहीं है, तो वो वाला सीन मत करो। सो क्योंकि आपकी बॉडी ना वो हो जाती है, अडेप्ट हो जाती है उस सिचुएशन में, एंड आपको मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है उस चीज़ से, मतलब इन फ्यूचर। तो आपको अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये सारी चीज़ें करो एंड कोविड से आप सेफ रहोगे, प्रॉपरली सेफ रहोगे, ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मुझे स्वेटिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि फ़ैन नहीं चल रहा, अगर फ़ैन चलाऊंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा। और चैनल पर जो भी नया है यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।